वो गलती गलत काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, गलत काम हो रहा है कि नहीं, सीधा सवाल, इतना पब्लिक यहाँ सुन रहा है, गलत हो रहा कि नहीं हो रहा है वो काम। देख लीजिए इसमें कहाँ से वजन पूरेगा, देखिए तो कहाँ से वजन पूरेगा, देखिए फटा हुआ पूरा, कहाँ से वजन पूरेगा, वो सब रखा है वो डीलर के पास, मतलब इसका इसका कोई हिसाब नहीं है, देना है नहीं, वजन आप करवा रहे हैं बोरा का? हाँ, कहाँ वजन हो रहा है, देखिए तो आइए बाहर आइए, आप आइए बाहर आइए, आइए बाहर आइए, आपको दिखा रहे हैं, आइए नहीं है जो एक यूनिट पे 5 रुपया ज्यादा नहीं लेता है और हर व्यक्ति पे एक यूनिट पे 1 kg वजन कम देता है, अगर परिवार में 10 लोग हैं तो 10 kg अनाज कम जाता है, क्यों जाता है? कहाँ जा रहा है भैया मालिक, कहाँ जा रहा है? इधर तो बोलिए, इधर बोलिए, आप कहाँ जा रहे हैं डीलर साहब, आइए जरा नीचे आइए, ये जो माल है आप देख रहे हैं इसमें वजन करवा रहे हैं आप, आई उतरिएगा ना तब ना, देख लीजिए यहाँ जो माल जो लोड हो रहा है पिकअप, ये ट्रक से डायरेक्ट पिकअप में हो रहा है, वजन नहीं किया जा रहा है, वजन पे हम लोग सवाल खड़ा करेंगे इसमें, ये बताइए एक बोरा, आप देखिए डीलर साहब है कहाँ आपका, थी कौन सा पंचायत से? लालपुर, लालपुर पंचायत से, लालपुर पंचायत के आप डीलर। अच्छा ये बताइए इसमें एक बोरा में कितना वजन आपको कह के दिया जाता है? 50 kg, 50 kg आपका हर बोरा में 50 kg है, कुछ कमता है किसी में? आप लोग वहाँ पे जो जनता लोग को कम देते हैं अनाज जो बोलता है, इसका क्या कारण है? वेट सही नहीं मिलता, ये कारण और यही वेट। अच्छा आप सीधा सवाल है सुनिए, सीधा सवाल है, एक यूनिट पर 13 रुपया लेना होता है, जहाँ की 5 रुपया एक यूनिट पर ज्यादा लिया जाता है, ठीक है, और एक यूनिट पर एक व्यक्ति को 1 kg कम दिया जाता है, यानी परिवार, सुनिए यानी परिवार में 4 लोग हैं तो उसका कितना वेट होना चाहिए? 4 kg कम मिल जाता है? नहीं सर, यही सब तो भरपाई के लिए। अच्छा ऐसे सीधा सवाल, देखिए आप पे टारगेट मेरा नहीं है, ठीक है, आप डीलर हैं, सुनिए सुनिए ना, आप डीलर हैं, आपको अनाज यहाँ से कम दिया जाता है तब आप मजबूरन कम बांटते हैं, ठीक है, आप डीलर हैं, लेकिन यहाँ से कम क्यों ले आते हैं, वजन करवा क्यों नहीं ले आते आप? वेट का साधन यहाँ नहीं है किसी होगा? अच्छा वेट का साधन नहीं है यहाँ पे? जी नहीं सर। यहाँ एमओ साहब हैं अभी यहाँ पे? जानकारी नहीं हमको सर अभी। अच्छा किससे, अच्छा किससे आप अनाज ले रहे हैं, कोई तो होगा यहाँ पे, किससे अनाज लिया आप? अभी तो ये लोग कर रहा था तो हम आए जस्ट, अभी हमको फोन किया कि आपका मॉल जा रहा है, बस हम चला है। किसी के नहीं, किसी के संरक्षण में जा रहा होगा ना, ये जानकारी नहीं हमको अभी। अच्छा जानकारी नहीं है, एक काम कीजिए आप 2 बोरा नपवाइए, पूरा के लिए आप 200 बोरा ले लीजिएगा, जिसका आखिर कौन देखेगा आपके पास कितना वजन जा रहा है, आपको बता दिया लोग दे रहा है। सुनिए ना सुनिए सर, आपके पास टोटल कितना वजन जा रहा है ये कैसे मालूम चलेगा आपको? तो एवरेज पे जा रहा है सर। अच्छा एवरेज पे जा रहा है, तो वजन करके देना होता है कि एवरेज जाता है? एवरेज ही जा रहा है। अगर एवरेज जाएगा तो कैसे आप बांटिएगा आम पब्लिक को? बांटी रहे जिस तरह से बांटते हैं, जिस तरह बांटते उसी तरह बांटिएगा, मतलब कम देते हैं पैसा ज्यादा लेते हैं वही हिसाब किताब रहेगा? नहीं कम जो आप बताए जितना उतना कम नहीं दिया जाता, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का होता है कम बेस, हल्का फुल्का, सरकार तो नहीं कहा कम देने के लिए, तो यहाँ से एक्यूरेट लीजिए, बाकी यहाँ सवाल खड़ा करते हैं, आइए सीधा दिखा दो कि सीधा ही जो है ना ट्रक से सीधा एकदम जो है ना डायरेक्ट पिकअप में लोड हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वजन करके जाना चाहिए, और यहाँ से 28 पंचायत में आता है। गरीब जनता को राशन कम दिया जाता है, हम लोग चाहते तो आपके केंद्र पे भी जा सकते थे जी, लेकिन हम यहाँ इसलिए आए क्योंकि सबको कम मिल रहा है, तब कम दे रहा है। कौन है ऑफिस में आप है सर? सर नहीं है, देख रहे अभी, देख रहे यहाँ कौन कर रहा है सर? देख रहे यहाँ कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। अच्छा आप कर रहे हैं, अच्छा ये बताइए यहाँ से अनाज वहाँ पे जो है भूषण भैया भाई कर रहे हैं, अभी बोले हम कर रहे हैं आप? हाँ हम ट्रांसपोर्टर एजेंट है। ट्रांसपोर्टर एजेंट, अच्छा ये बताइए सरकार का क्या गाइडलाइंस है कि बिना वजन करवाए डीलर को दे देना है? नहीं वजन आप करवा रहे हैं बोरा का? हाँ, कहाँ वजन हो रहा है, देखिए तो आइए बाहर आइए, आप आइए बाहर आइए, आइए बाहर आइए, आपको दिखा रहे हैं हम, आइए आइए बाहर आइए, इधर आइए ना सर, आपको दिखा रहे हैं, आइए ना दिखा रहे हैं आपको हम, थोड़ा सा आइए ना, आपको दिखा रहे हैं सर एक बार हम, देखिए वहाँ वजन करके उसमें जा रहा है सर? नहीं तो एवरेज बोरा आता है। अच्छा एवरेज बोरा आता है तो कितना वजन रहता है उसमें? 50 रहता है। 50 रहता है, डीलर का कंप्लेन रहता है कि कहीं 40 मिलता है, 41, 42, 45, 47 सारा वजन रहता है। ये बताइए वो आम पब्लिक को कहाँ से सही अनाज दे पाएंगे? दे पाएंगे, कोई ऑप्शन है देने का? लूज बो, देखिए हम लोग का लूज जो बोरा होता है जिसे हम लोग जो बढ़िया बोरा है, देखिए आप वहाँ देखिए गाड़ी जो अभी लूट सारा देख रहे हैं आप, देखिए सुनिए ना सुनिए, हम जो बोलना चाह रहे पहले मेरा बात सुनिए, ऐसा कोई डीलर नहीं है जो एक यूनिट पे 5 रुपया ज्यादा नहीं लेता है और हर व्यक्ति पे एक यूनिट पे 1 kg वजन कम देता है, अगर परिवार में 10 लोग हैं तो 10 kg अनाज कम जाता है, क्यों जाता है? इसका जवाब कौन देगा? उसका जवाब तो हम लोग कैसे दे पाएंगे?
डीलर लोग ऑन कैमरा बोलने से डरता है, साफ साफ कहता है साहब क्विंटल पे 50% लेते हैं, सही बात है ये? नहीं, हमको नहीं पता है, उसका नॉलेज हमको कहाँ से रहेगा? सर आप यहाँ देख रेख कर रहे हैं, देख रेख करे तो देखिए, देख रेख हम तो ठेकेदार के, मतलब ठेकेदार है हम तो उनका। एमओ सर कहाँ है? एमओ सर तो वहाँ बैठते हैं। कहाँ बैठते हैं? अनुमंडल में बैठते हैं। अनुमंडल में बैठते हैं। अच्छा, अभी यहाँ का देख रेख का पूरा प्रभार आपके पास है? प्रभार इनका है। अच्छा, आपके पास है, बताइए। हम तो ऑपरेटर है। अच्छा, ये बताइए चल क्या रहा, कभी बोल रहे हैं मेरा है, कभी बोल रहे हैं मेरा है। देखिए, ट्रांसपोर्टर के द्वारा ही यहाँ से अनाज जाता है। अच्छा, ट्रांसपोर्टर के द्वारा जाता है। आपका काम क्या है? सरकार का गाइडलाइंस नहीं कि आपको वजन करवा के देना है? वजन बोल तो नहीं, आप देखिए बोरा एकदम फटा हुआ बोरा नहीं। देखिए सुनिए ना, गाइडलाइंस में है कि एवरेज जाएगा माल। मापने का क्या व्यवस्था है? क्या चीज यहाँ पर मापने का क्या व्यवस्था है? कैसे आप लोग मापते हैं? मापने के लिए मशीन आपके पास? हाँ। तो कहीं नहीं नपवा रहे, देखिए तो वहाँ खुलेआम लोड रहा है। ठीक है, अभी हम लोग वीडियो बना रहे हैं। अभी सुनिए ना, आप एक बोरा वहाँ जो है आप उनसे नपवा सकते हैं, वो है मशीन। सुनिए ना महाराज, अभी यहाँ पे अभी भी कम से कम बंद करवा उसको नपवाइएगा। इतना होने के बाद भी आप लोग नहीं बंद करवा रहे? नपवा के नपवा देते हैं, अब देख लीजिए दो चार बोरा नपवा। अच्छा, ये बताइए गलत काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गलत काम हो रहा है कि नहीं? सीधा सवाल, इतना पब्लिक क्या सुन रहा है, गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा? वो आपके गाइडलाइंस में क्या है, गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा? नाप के जाना चाहिए ना। देखिए आप देख, हम तो बोल रहे आप फटा हुआ बोरा नहीं जाता है, जो भी है सब बढ़िया बोरा, फटा हुआ बोरा यहाँ गोदाम में आ जाता है। 99% डीलर का शिकायत रहता है, नहीं तो बोलिए हम रिपोर्टिंग करके दिखा देते हैं हर एक केंद्र पर। सबका कहना यही रहता है कि हमको ऊपर से कम दिया जाता है, पैसा भी लिया जाता है, बड़ी जीते वहाँ होता है, तब जाके हम आम पब्लिक को कम देते हैं। एमओ साहब से पूछे हम क्या? एमओ साहब जो भी बोलेंगे ठीक है, लेकिन यहाँ का तो काम ग्राउंड का आपका है ना, यहाँ तो आप बोलिएगा ना, यहाँ पे मुखिया भी आप हैं, आपके आपके निगरानी में जा रहा है सर, आपके निगरानी में जा रहा है ना। तो आप मेरे पास सुनिए ना, आप दो चार दस बोरा मशीन ले जाते हैं, आप दो चार बोरा दस बोरा जो गाड़ी में ही जो लोड हुआ है उसको ही आप नपवाइए। सीधा सीधा सवाल सर, ये गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपको माप के देना चाहिए ना, बता रहे हैं आपको माप के देना चाहिए, इतना बता दीजिए बस, माप के देना चाहिए देना चाहिए। तो हम तो बोल रहे हैं हम आपके सामने। ठीक है, जब हम आए तो सुनिए, जब सुनिए, जब हम आए तो आप नपवाने लगे, आपको नाप के देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए पहले से? उसका नॉलेज हमको थोड़ी ना, उतरे दिया कैसे आप, मतलब ये ट्रांसपोर्ट मैनेजर बन गए? आइए एक बार अनाज अंदर दिखाते हैं। नीचे में गिरा हुआ है, ठीक है, और वही खाएगा हम जनता। देख लीजिए इसमें कहां से वजन पूरेगा, देखिए तो कहां से वजन पूरेगा, देखिए फटा हुआ पूरा, कहां से वजन पूरेगा? वो सब रखा है वो डीलर के पास, थोड़े मतलब इसका कोई हिसाब नहीं है, कोई हिसाब नहीं इसका, कैसे करता है? बाकी बहुत सारा बोरा फटा हुआ है, ये डीलर का एकदम बिल्कुल सही शिकायत है, बिल्कुल सही शिकायत है, बहुत सारा बोरा फटा हुआ यहीं से दिख रहा है, बिल्कुल सही शिकायत है। आप लोग देखिए बिल्कुल गलत कर रहे हैं, आपको वजन करवा के देना चाहिए ना, 45 kg तो 45 लिखिए। आप देख लीजिए बोरा, आप जैसे फटा हुआ बोरा देख रहे हैं वो यहाँ पे बन के बढ़िया से, मतलब जितना 50 kg उससे बन के ही जाता है बोरा, उसमें कुछ नहीं। हम तो आपको बोले मशीन है, आप एक बार देख लीजिए, मशीन से वजह के तोलवा देते हैं, दो चार बोरा बोलेगा, दो चार दस बोरा आप तोलवा लीजिए, देख लीजिए। देखिए तोलवाएंगे ना तो सिंपल साधारण बात इतना ही है कि एवरेज उसमें आएगा, कोई 45 भी होगा, कोई 51 भी होगा, कोई 50 भी होगा। देख लीजिए हम आपको बोल तो रहे, 10 बोरा नाप लीजिए, नापने के लिए मशीन है। आप लोग यहाँ भी सुनिए, जैसे आप बोले ना कि फटा हुआ बोरा जो रहता है टोटल बोरा यहाँ पे बन के ही जाता है। ठीक है बन के जाता है, लेकिन 50 वजन तो नहीं जाता है। आप देख लीजिए, तो बोले आप देखिए जो 50 का एवरेज से जाता है, देख के ये फटा हुआ बोरा भी एवरेज नहीं भेजना था आपको, कांटा पे नपा के भेजना था। यहाँ से 10 बोरा देख लीजिए, यहाँ पे नपवा लीजिए, गाड़ी में जो लोड हुआ है वो भी माल आपके सामने नपवा देते। सुनिए सीधा हिसाब किताब है, ये नियम के विरुद्ध है कि नहीं? देखिए आप एवरेज मत निकालिए, नियम के विरुद्ध है कि नहीं? एवरेज हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं उसमें, आपको नियम के विरुद्ध है। देखिए एक्सेप्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि गलत हो रहा है यहाँ से, आप बहुत ही बड़े लेवल में गलत हो रहा है, 28 पंचायत में जाता है यहाँ से माल, और यहाँ से ही गलत किया जा रहा है, तब जाके नीचे वाले अधिकारी लोग और जो डीलर हैं उनसे गलती होता है, कहीं ना कहीं ये लोग गलत कर रहे हैं। यहाँ से नाप के भेजना चाहिए जो कि नहीं भेज रहे हैं। हम अभी कहलगांव प्रखंड में यहाँ का जो अनाज का जो भंडार है यहाँ पे अभी हम खड़े हैं, यहाँ से आपको सीधा तस्वीर हम दिखा रहे हैं।